सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो एक वीडियो काफी वायरल हो रही है पाकिस्तान और यूके में, जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक पाकिस्तानी फैमिली है और मैनचेस्टर यूके की जो पुलिस है उन्होंने उस पाकिस्तानी फैमिली को अरेस्ट कर लिया और उसके बाद उनको लात घूंसों से मार रही है। तो आज हम पाकिस्तानी आवाम से ये पता करेंगे कि जो पाकिस्तानी है उनकी बाहर देशों में क्यों इतनी इज्जत नहीं है, क्यों रिस्पेक्ट नहीं होती है, और जब वो किसी भी कंट्री के एयरपोर्ट में जब आते हैं तो जब सिक्योरिटी चेक होता है स्पेशली उनको पाकिस्तानियों को अलग से खड़ा किया जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से उनको चेक किया जाता है। और अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया के जितने भी जो लोग हैं उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट की जाती है और उनको उस नज़रिए से नहीं देखते, बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्टफुली जो कंट्रीज हैं उनको वेलकम करती है। और पाकिस्तान के जो पासपोर्ट है उसकी बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं है बाहर देशों में, और जबकि इंडिया के जो पासपोर्ट है बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ईजिली वीज़ा मिल जाता है इंडियंस को, और इंडियंस को बाहर देशों में बहुत अच्छी जॉब्स मिलती हैं और बहुत अच्छी सैलरी पैकेजेस मिलती हैं। वहीं जो पाकिस्तान है वहाँ पे जो बाहर उनको जॉब्स उतनी अच्छी नहीं मिलती और बहुत ही कम सैलरी वाली जॉब मिलती है। तो इसी बात में आज हम पाकिस्तानियों से बात करेंगे, ऐसा आखिर क्यों है पाकिस्तानियों के साथ और इंडियंस के साथ दोनों के बीच में इतना डिफरेंस क्यों है, जहाँ इंडियंस को रिस्पेक्ट दी जाती है और पाकिस्तानियों को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। जो वीडियो की जो ओरिजिनल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं, और वीडियो का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है रियल एंटरटेनमेंट टीवी को। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा शुरू करते हैं वीडियो को। अगर चाहूंगा ना आज के मुझे बाहर जाना है, ठीक है, सबसे बड़ी चीज तो मुझे वीजा ही नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है, अगर कोई मिलेगा भी तो 40-45 लाख या 1 करोड़ रुपए दे के कनाडा का अगर वीजा मिलता भी है, ठीक है, तो वहाँ पे जाऊंगा प्रॉपर तरीके रूल देखूंगा, लेकिन मेरी एक लाइन लैदा होगी, ठीक हो गया, ठीक है, क्योंकि आप पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी, ठीक हो गया, ठीक है, मैं पाकिस्तानी, ठीक है, मेरी एक लाइन लैदा होगी और वो यहाँ तक बोलेगा कि इसकी अच्छे से अच्छे तरीके से चेक, ठीक है, हमारे तो प्राइम मिनिस्टर की बकायदा कपड़े उतार के चेक जाती है। सर ये सर हमारा जो इंडिया मुल्क है ना, ठीक है, वहाँ पर कंट्री है, ठीक है, बहुत बड़ा मुल्क है और बड़ा एक ना इस चीज के हवाले से ना वहाँ पे इंसानियत को इंसानियत माना जाता है, ठीक है, किसी के मजहब को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी जाती, उसको इंसान को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि सबसे पहले मजहब नहीं इंसानियत थी, ठीक है, अच्छा। और फिर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो उनके कंट्री के यानी इंडिया के लोग जब बाहर जाते हैं उन्हें बकायदा जॉब भी बेहतर मिलती है, क्या वजह है उसकी? क्या सर जॉब्स के अलावा जो है ना आज से बड़ा से बड़ा इन्वेस्टर आप देख लेंगे ना अमेरिका के अंदर या कनाडा के अंदर, जहाँ पे मर्जी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर बैठा होगा ना वहाँ पे सबसे पहले इंडिया का बैठा होगा, ठीक है, ठीक है, अंबानी साहब हो गए और भी काफी सारे हैं, ठीक है, टाटा अंबानी बिरला बहुत से नाम, बहुत सारे नाम है, ठीक है, और सबसे बड़े इतने इतने अंबानी इतने इतने इन्वेस्टर बड़े बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान को एक मिनट में खरीद रहे हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान की या पाकिस्तानियों की इज्जत क्यों नहीं हो रही? ये हमारा जो मुआशरा है, जो जब बड़ों की इज्जत नहीं है तो छोटों की कैसे होगी? ठीक है, जब हमारे लीडर्स की, प्राइम मिनिस्टर की, हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले मरियम नवाज थी, उसके साथ ज्यादती हुई, अच्छा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज्यादती हुई, ठीक है, अब इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, अच्छा, ठीक है, हमारे जो पाकिस्तान के बादशाह उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो हम किस बात में? फिर आम आवाम है क्या समझते हैं पाकिस्तान का ये जो इमेज पूरी दुनिया में जा रहा है, ना हमारे पासपोर्ट की रिस्पेक्ट है, ना वैल्यू है उस तरीके से, ना हमारे लोगों की वहाँ पे दुनिया के दूसरे कंट्री, हमारे अंदर तो सीधी सी बात है इंसानियत तो है नहीं पाकिस्तानी में, ठीक है, किसी भी औरत को रात को जाते हुए देखेंगे, सुबह को देखेंगे, ठीक है, तो हमारे जहन में जीबो गरीब ख्याल आते हैं, ठीक है, इंसानियत नहीं है, माँ बहन की इज्जत नहीं है, ठीक है, आजकल का ये हमारा दौर जा रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो यूके में, हाँ। यूके में जो हुआ है, ठीक है, वो इस चीज के हवाले से नहीं हुआ कि वो पाकिस्तानी है, ठीक है, सारी सी बात है कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा, ऐसे ही है, ठीक है, वैसे बेबुनियाद किसी को थोड़ी मारा जाता है कि उन्होंने वहाँ की जो पुलिस है उसके ऊपर कोई मतलब हाथापाई या कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो बात वही आ जाती है ना कि पाकिस्तानी की जो ख्वाजा सराय है वो जाके थाने में जाके पीट आती है, तो ये वो हिसाब लगाया ना उन्होंने, ठीक है, कि वो मेरा मुल्क है या मेरा अपना, यार मैंने इनको पिछली वीडियो में भी आपको मैंने बताया था यहाँ पे सिस्टम है, कानून है, तो बाहर की कंट्रियों में तो और से ज्यादा होगा, ठीक हो गया, उससे भी ज्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पे 30% कानून चलता है, वहाँ पे 70 से 100 चलता है, ठीक हो गया। क्या समझते हैं आपको कि ये चीजें अगर ऐसी चलती रही कल को तो हमें कोई कंट्री वीजा ही नहीं देगा, इस्लामिक कंट्रीज हमें इग्नोर करने लगेंगे? इस्लामी कंट्री जो है सऊदी अरब, ठीक है, इजिप्ट, जितनी भी कंट्री है ना इस वक्त सबसे ज्यादा हमें इग्नोर कर रही है, ठीक है, सबसे ज्यादा जॉब हमें पाकिस्तानियों के, इस्लामी कंट्री है, ठीक अच्छा। है, यही बात आती है ना कि देखा जब एक भाई भाई को चोट लगती है भाई उसका साया बनता है, ठीक है, तू की टेंशन ले रहा है मैं तेरे साथ, अच्छा, ठीक है, सबसे बड़ी वही चीज देखे वही अभी साइड पे हो रहे हैं, ठीक हो गया, यानी वो हमें इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हमारे शायद काम इस तरीके से है जिसकी वजह से हमें इग्नोर किया जा रहा है। ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ,
जो कंट्री आपको विजिट दे रही है वीजा दे रही है ना, वो इस वक्त जो है ना वो भी आपकी सिर्फ वीडियो और ये वो देख के ना वो भी आपको बंद कर देगी। एक साइड पे हमें जो है वो उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, दूसरी साइड पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं पे जाते हैं तो उन्हें प्रॉपर रेड कार्पेट प्रोटोकॉल दिया जाता है। सर वो बात आ जाती है ना कि ये उनके पास कैश है, पैसे हैं उनके पास, उनके पास पैसे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, इसीलिए पाकिस्तान की कोई बात आगे नहीं जा सकती। अच्छा नहीं, आपको लगता है कि सिर्फ पैसे से इज्जत हो सकती है? आपको नहीं लगता कि हमारे काम बेहतर होंगे तो भी हमारी इज्जत? हम लोग थाने में जाते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन देने जब जाते हैं पुलिस ऑफिसर कहते हैं हमें पैसे दो, ठीक है, हम आपकी एप्लीकेशन फ्रंट डेस्क पे लेके जाएंगे। अच्छा, कई ऐसी मैंने खतून देखी है उनकी दरख्वास्त जो है मार्ग नहीं होती, अच्छा वो रोते रोते वापस आ जाती है, ठीक है, ठीक है, जो बिल्कुल मजबूर खतून है उसको धक्के मार के बाहर निकाला जाता है, ठीक है, जो 2,000-3,000 दे दे हाँ। उसको अच्छी रिस्पॉन्स दी जाती है, है, उसकी रिस्पेक्ट की जाती है, उसको पानी पिलाया जाता है, उसको खाना खिलाया। सबसे पहले जो है ना हमारी गवर्नमेंट को मजबूत होना चाहिए, अच्छा, ठीक है, इस चीज के हवाले से हमें बाहर के वीजे लेके दे या कुछ भी करके दे, ठीक है। दूसरे नंबर पे यहाँ से जो जवान जाते हैं उनको सिखाया जाए कि वहाँ पे जाके चोरी नहीं करनी, डकैती नहीं करनी, किसी ने ओए नहीं करना, ठीक है, भीख नहीं मांगनी है, ठीक है, और किसी को ये मत बोलना कि ये मुल्क मेरा है। अच्छा, यानी कि एक तो हम जाएं यहाँ से दूसरे कंट्री में और वहाँ जाके कहें यहाँ हमारा रूल, ये हमारा रूल चलेगा, ठीक है, मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है, और जब काम करने की बारी आती तब जी मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, मैं इधर जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, मुझे फलाना काम है। इसी वजह से तो लोग हमें आजकल बायकॉट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये कम चोर और हड्राम आवाम है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में इस तरह की तादाद है। यहाँ पे कितने खड़े हैं, यहाँ से किसी से भी पूछ रहे क्या कोई भी यहाँ पे पाकिस्तान में रहना चाहेगा? सबकी दिली ख्वाहिश है कि यार हम बाहर जाएं, वहाँ से अच्छा रोजगार लें, अच्छा कमाएं, अच्छा लेके आएं। तो अगर बाहर का वीजा मिले जाना चाहेंगे? बेशक जाना चाहते। क्या वजह, पाकिस्तान में क्यों नहीं रहना चाहते? कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जिल्लत ही है, यहाँ पे रोजगार नहीं है। अच्छा, लेकिन बाहर के कंट्रीज हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, मतलब क्या वजह है कि हम वहाँ पे जाते हैं हमें अलहदा लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, हमें देखा जाता है ये पाकिस्तान पासपोर्ट है, इसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो इसे साइड पे अलहदा कर दो, क्या वजह है? वो हमारे जो मुल्क के रहनुमा उन्होंने खुद अपने इस मुल्क के लोगों को भी गिराया, वो अपने आप को भी गिराया। क्या काम करके? यही उनसे कर्जे लेके और अवाम को बदनाम किया इन लोगों ने। ये चीज है, मतलब सारी बात है, जब हम हर कंट्री पर जाएंगे हमारे पॉलिटिशियन जाएंगे और मकसद एक ही होगा कि वो हमें कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाए, कुछ ना कुछ पैसे मिल जाए, ये कितनी देर ऐसे चलेगा? आपको लगता है कि ऐसे हमारी रिस्पेक्ट हो पाएगी? बहुत मुश्किल है, ठीक है। हम कर्जे लेते हैं, क्या ये भी एक रीजन है? सर ये सबसे बड़ा जो है ना मसला जो पिछले 75-76 साल से चलता आ रहा है, ठीक है, अमेरिका की ना एक पॉलिसी है, ठीक है, जब भी कोई भी गवर्नमेंट अगर गिरती है ना थोड़ी सी वो मजबूत नहीं होती है तो उसको जो है ना बिलियन के हिसाब से डॉलर दिए जाते हैं कि आप स्टैंड हो जाएं, ठीक है। और इस वक्त भी हालात इनके यही चल रहे हैं कि हम लोग जो है ना अमेरिका से जाकर थोड़ा बहुत डॉलर ले आए, ठीक है। नहीं, अभी खबर भी वैसे आ रही थी कि अमेरिका पाकिस्तान को 101 मिलियन डॉलर देने वाला है कि ताकि थोड़ा बहुत जो मुश्किल वक्त है उसमें आसानी पैदा हो, लेकिन एक साइड पे 101 मिलियन अमेरिका देगा, उससे क्या होगा? 101 मिलियन पूरे कंट्री के लिए आपको लगता है काफी है? सर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, लिखी बड़ी गल जी, ठीक है, आज से तकरीबन 10 साल बाद भी मुझे बता दीजिए कि वो 101 मिलियन कहाँ पे गया। अच्छा, वो पता ही नहीं चलेगा किधर गया। सर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे डेली का डेली टूल टैक्स के जरिए और कई ऐसी चीजों जिनसे अरबों रुपए का टैक्स कट्टा होता है, वो कहाँ पे जा रहा है? अच्छा, उससे क्या हम लोग अपने पावर प्लांट नहीं बना सकते बिजली के? ठीक है, हम लोग अपनी रेलवे को इस तरह की इन चीजों को स्टैंड नहीं कर सकते? टैलेंट तो जितना था ना, जिन लोगों का जुगाड़ लगा वो सारे के सारे भाग गए बाहर, ठीक है, ठीक है। और अभी के जो हालात चल रहे हैं ना, अभी के हालात भी ऐसे चल रहे हैं जिसका दिल कर रहा है वो बस निकली जा रहा है, और हमारी गवर्नमेंट के भी हालात ऐसे, वो कह रही निकली जाओ, ठीक हो गया, ठीक है। वो खुद मुंह से कहते हैं, वो कहते हैं आप सीखें और करके बाहर जाएं, ठीक है, ओवरसीज जितने पाकिस्तानी सारे के सारे बाहर से डॉलर लाए, दूसरे कंट्रीज हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। सर हमारे बेरोजगारी है ना, हमारे करप्शन है ये जो ऑफिसर बैठे हुए हैं ना, ये हमारे दारे, ठीक है, साहब पाकिस्तान का खजाना ये खा जाते हैं। तो दुनिया के दूसरे कंट्रीज क्यों नहीं हमारी इज्जत क्यों नहीं करते? हम पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो हमें लहदा लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। हम आदि हो गए हैं ना करप्शन करने के, हर काम में, ठीक है, दो नंबरी करने में।
सीधे रास्ते पर नहीं चलते हैं ना, तो वहाँ जाके भी ऐसा ही करते हैं, तो वहाँ जाकर भी ऐसे आदत बन जाती है ना इंसान की, जो आदत बन जाती है वो कब छूटती है। ये मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे एक वीडियो वायरल हुई है, पाकिस्तानी फैमिली है, पाकिस्तानी एक नौजवान है, उसे वहाँ की जो पुलिस है वो मार रही है, और बताया जा रहा है कि उन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक किया जिसकी वजह से ऐसा ये वाकया हुआ। क्या कहना चाहेंगे, हमारी दूसरे कंट्रीज में इमेज क्या पाकिस्तान की, पाकिस्तानी लोगों की या पाकिस्तानी पासपोर्ट की क्या वैल्यू, क्या रिस्पेक्ट है? जैसे आपने पहले कहा है कि कहा जा रहा है कि उन्होंने पुलिस वालों पर अटैक किया, तो ऑब्वियसली फिर तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है उन्होंने अपना इम्प्लीमेंटेशन तो करनी होती है, अगर तो उसकी गलती है तो उस पर उन्होंने उसको जो भी अकाउंटेबल किया है उसका वो आंसरेबल था, इसलिए उसने एक्सक्यूशन पेयर किया। दूसरी बात जहाँ आप ये कह रहे हैं, तो हम देखें भाई थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमारे पासपोर्ट की क्या पूरी दुनिया में कहीं पर भी वैल्यू नहीं है, ऊपर से हम लोगों के जो मामलात हैं वो भी ऐसे काबिल तारीफ नहीं है। इंडिया इज नॉट अ अंडर वर्ल्ड कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री, उसकी मार्केट देखें आप, उसके लोगों को देखिए, आई टी में उनका देखें कितना उन्होंने काम किया है, इस वक्त वो दुनिया पर रूल कर रहे हैं, यूके से लेकर अफ्रीका तक जो है हर जगह पर इंडियंस बैठे हुए हैं, उनके पास स्किल्ड है, हमारे पास स्किल ही नहीं है। तो फ्रेंड्स आपने वीडियो देखी, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और इस पर क्या कमेंट करना चाहते हैं, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं इस पूरे वीडियो देखने के बाद आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने भी इस वीडियो को देखा, तो इसमें ओवर एंड ऑल ये चीज़ बातचीत पता चली कि पाकिस्तान को क्यों रिस्पेक्ट नहीं मिलती और इंडिया को क्यों रिस्पेक्ट मिलती है। तो सबसे पहले इंडिया की बात कर लेते हैं। देखिए इंडिया को रिस्पेक्ट इसलिए मिलती है क्योंकि इंडिया में एजुकेटेड लोग हैं, जब इंडिया वाले बाहर जाते हैं देशों में तो वहाँ काफ़ी डिसिप्लिन से रहते हैं, और इंडिया के हर एक नौजवान के पास इतनी क्वालिफिकेशंस होती है तो उनको बाहर बहुत ही अच्छी अच्छी जॉब्स मिलती है, अच्छे अच्छे सैलरी पैकेजेस वाले जॉब मिलते हैं, तो उनको रिस्पेक्ट मिलती है। और सबको पता है कि इंडिया आज की डेट में काफ़ी टॉप में फर्स्ट फाइव में स्टैंड करती है रिलेटेड टू इकोनॉमी डेवलपमेंट या आर्मी पावर ग्रोथ, तो सब कंट्रीज को पता है कि इंडिया भी अब एक इंडिया का भी एक ओहदा है, तो इस वजह से इंडिया को रिस्पेक्ट मिलती है। और इंडिया में जो सबसे मोस्ट पावरफुल जो इंसान है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनको कौन नहीं जानता, तो सबको पता है इंडिया मीन्स नरेंद्र मोदी, तो अपने आप रिस्पेक्ट मिल जाती है। अब बात करते हैं पाकिस्तानियों की, तो देखिए पाकिस्तान में ये चीज़ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए उनकी आवाम ने खुद ही बोला जी उनके यहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन है, जिसके कारण बाहर मुल्क में जब वो जाते हैं वहाँ पे वो चोरी डकैती फ्रॉड वगैरह ये सब करते हैं, और वहाँ पे कोई भी देश में चले जाते हैं फिर वहाँ पे जब बात आई काम की उनके पास एजुकेशन स्किल्ड होता नहीं है, तो उनको कम वेजेस वाले कम सैलरी वाले जॉब मिलते हैं, और उसमें भी जब जॉब का टाइम आता है वो बोल देते हैं जी हमारा नमाज का टाइम हो गया, हमारा वो टाइम हो गया, तो प्रॉपरली वो फोकस 100% अपना नहीं देते हैं काम में। और फिर दूसरी बात हो गई कि जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, जो भी कर्जा लेती है बाहर देशों से वो सारा अपने अपने अंदर ही बना के खा जाती है, अपने ग्रुप में लीडर्स मिक्स करके बांट के उसको खा लेते हैं, वो पाकिस्तान की किसी भी डेवलपमेंट पे नहीं लगाते हैं, जो वहाँ की आम पब्लिक है उनके उनके ऊपर खर्च नहीं करते हैं, वो खुद ही खा जाते हैं, जैसा कि आवाम ने खुद ही बोला है ये चीज़। और बात है सबसे ज़्यादा वहाँ पे करप्शन है, एक लेडी है इस पे जिन्होंने बोला कि भाई अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं कोई रिपोर्ट लिखवाने के लिए तो आपको धक्के मार के पुलिस स्टेशन से बाहर कर देते हैं, और अगर आपके पास पैसा है वहाँ पे वो कहते हैं जी हम रिपोर्ट जब लिखेंगे जब आप पैसे दोगे, तो जब 2-3 हज़ार रुपये उनको पैसे दिए जाते हैं तब जाके वो आपकी रिपोर्ट लिखते हैं, आपको इज्जत दी जाती है, आपको पानी पिलाया जाता है, आपको खाना खिलाया जाता है, तो इस तरीके से वहाँ पे पूरा काम चलता है। और यहाँ पे कुछ लोगों ने बोला जी यहाँ पे काम ही नहीं है, यहाँ पे जॉब्स ही नहीं है, तो यहाँ पाकिस्तान में रह के हम करेंगे क्या, और जब पाकिस्तानी के एक आवाम से पूछा गया कि अगर आपको मौका मिलेगा तो आप बाहर देश में जाना पसंद करेंगे, उसने एक सेकंड का भी टाइम नहीं लिया, उसने फट से बोल दिया जी हाँ अगर मुझे मौका मिले मैं बाहर चले जाना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि यहाँ पर कोई काम ही नहीं है, तो अगर पाकिस्तान में कोई जॉब ही नहीं है तो फिर यहाँ पे रह के करेगा क्या, रोजी रोटी फैमिली कैसे पालेगा।
तो देखिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, करप्शन की प्रॉब्लम है, और गवर्नमेंट अगर कर्जा लेती भी है तो वो अपने सुधार, अपने डेवलपमेंट के लिए लगाए, अपने देश के लिए लगाए। अगर वो गवर्नमेंट अपने देश के लिए पैसा लगा ही नहीं रही है, खुद ही उसको अपनी जेबें भर रही है और उस पैसों से याशी कर रही है, तो फिर ऐसे में तो ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान कभी जिंदगी में कभी ग्रोथ नहीं कर सकता, डेवलप नहीं कर सकता है। तो आप भी इस पे, इस वीडियो पे क्या बोलना चाहते हैं, जो इन जो पाकिस्तानी आवाम ने बोला कि आप भी उससे सेटिस्फाइड हैं, आप भी इस चीज़ को मानते हैं कि आज जो पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है वो यही रीज़न है, ये सारे रीजंस हैं जिसके वजह से जो पाकिस्तान है वो डेवलप नहीं कर पा रहा, जहाँ का वहीं पे ही है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, होप आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। देन सी यू, टेक केयर, बाय 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 बाय।